वो मरकर भी नहीं मरते, वो अपनी राख से फिर उठते हैं, वो फीनिक्स हैं। कहानी एक ऐसे क्रांतिकारी की जिसके नाम से थर्राती थी गोरी सरकार, जो अंग्रेजों की फाइलों में तो उन्हीं की गोलियों से मर चुका था, लेकिन वो हर बार तहर बनकर लौटता था। कहानी एक ऐसे नायक की जो इश्क की उम्र में इनकलाब से दिल लगा बैठा था। कहानी ऐसे समर्पण की जो देश के लिए अपने प्रेम अपने परिवार को कुर्बान कर सकता था। बात देश और प्रेम में किसी एक को चुनने की नहीं, दोनों की कश्मकश को साथ जीने की थी, जहां न साथ जीना बदा था न मरना। 1931 के क्रांतिकारी दौर की सत्य कथा पर आधारित मशहूर लेखक सत्य व्यास का नया उपन्यास 1931 देश या प्रेम।